आज हमारी जनता का मेहनत का पैसा लाखों करोड़ों रुपया इस चीज में क्यों बर्बाद होता है? जिन नेताओं के बैनर फोटो लगते हैं वो कभी देखे आगे क्या तकलीफ है? सबसे पहली बात बोलूंगा, मुंबा देवी में पॉलिटिशियंस है, लीडर्स नहीं है, वो अपनी कुर्सी गर्म कर रहे हैं सिर्फ। आप पॉलिटिकल मुद्दा बना के इसको हल करते करो, पब्लिक का तो भला करो कम से कम। रामपाल जुबेरी, और इस वक्त हम खड़े हैं जे मार्ग पे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करी है छोटा सा इस डिवाइडर को लेके जो रोड के बिल्कुल बीचों बीच है। एक साइड से जब नल बाज़ार की तरफ से या चोर बाज़ार की तरफ से रोड आता है आने वाली गाड़ियों के लिए, तो जे मार्ग पे जाने वाली साइड में कोई रास्ता स्पेशली बना नहीं है। ये वन साइड रास्ता है जिसमें गाड़ी दोनों साइड की आती भी है और जाती भी है। आम आदमी पार्टी इस गार्डन को लेके जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है जिसके वजह से ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, तो उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं जुनैद खान और उनकी टीम किस तरह का ये प्रोटेस्ट है और उनकी क्या मांग है। बैनर के फोटो लगते हैं सिर्फ, आम लोगों का कोई काम नहीं होता है। आज ट्रैफिक जाम है, हम लोग चाहते हैं रोड चौड़ा हो, रोड चौड़ा होगा पब्लिक को आराम लगेगा। आज दोनों साइड से सिग्नल जब ऑन होते हैं सामने जाके लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं, आज कितने एक्सीडेंट भी होते हैं इधर। आज बच्चा बिठा लो आगे जम मारता, बच्चा कभी कभार गिर जाता है। हमारी मांग ये रोड खोलो, नेताओं की फ़ोटो हटाओ यहाँ से, या फोटो नेताओं के फोटो का अड्डा बना हुआ ये, जितने भी आओ कभी भी आओ बड़े बड़े बैनर मिलेंगे। आज हमारा पैसा ये कचरे का। तो ये जुनैद खान जी का खास से इधर पे मतलब कहना है कि यहाँ पे जो नेता के पॉलिटिकल फ़ोटोज़ रहते हैं उसको हटाने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ पे जो मतलब ये डिवाइडर बना हुआ है इसके वजह से जनता को मेन इश्यूज़ होते हैं। तो जब तक बात करते हैं हम भी, अस्सलाम वालेकुम साला, ये आप इतने धूप में खड़े हो, क्या मुद्दा क्या है? सिर्फ हमारी बहनों के लिए खड़े हैं कि जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो रास्ता आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता है, सारी गाड़ियाँ चारों तरफ से बाइक कार सब आने लगती है, बिचारी लेडीज़ लोगों को परेशानी होती है, बच्चे स्कूल के जो क्रॉस करते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम है। अगर ये टूट जाएगा ये इस जगह तो आराम से पब्लिक को आने जाने के लिए मिलेगा, लेडीज़ को आने जाने मिलेगा, बच्चों को आने जाने के लिए मिलेगा, लेकिन पब्लिक गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है कुछ भी, फालतू खाली पैसा खर्चा करती है बस। जुनैद भाई, ये जिस तरह का आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड एक साइड से छोटा हो गया है और डिवाइडर बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पे पोस्टर अभी जैसे आपने कहा कि पोस्टर वगैरह पॉलिटिकल लगे हुए हैं, तो ये इलेक्शन के वजह से है या पब्लिक को इसमें आपके पास कंप्लेंट वगैरह? देखिए मेरी पहले बात समझो सलीम भाई, अब अपना कि हम लोग इसी एरिया में रहिए बड़े हुए पैदा हुए, आज ये लोगों की बहुत बड़ी मुसीबत है इधर। आज जब सिग्नल खुलेगा आप भी दो मिनट खड़े के देखिए, दोनों सिग्नल ऑपोजिट एंड से चालू हो जाते हैं, तो ये सीधा वन टू हैंड फेस टू फेस है। ये आज कितनी गाड़ियाँ सामने सामने आती है, अर्जेंट ब्रेक लगते हैं, कभी कभार कोई स्पीड में आता है, कोई ये चीज़ें होती है आप देखे हो। आज हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, मुझे और लोगों की कंप्लेंट भी है, लोग ये कह रहे हैं इस चीज़ की ज़रूरत क्या है हमें, आज ये बताओ ये कौन सा ब्यूटिफिकेशन है ये? आज हमारी जनता का मेहनत का पैसा लाखों करोड़ों रुपया इस चीज़ में क्यों बर्बाद होता है? आज लोगों को बड़े रोड चाहिए, आज ब्यूटिफिकेशन नहीं है। ब्यूटिफिकेशन करने के लिए मुंबई में बहुत सी जगह है हमारे पास, ज़रूरी नहीं है कि हमारे को ये चीज़ यहाँ मिले। यहाँ नेताओं के फ़ोटो लगते हैं, यहाँ नेताओं के बैनर लगते हैं, क्यों लगते हैं, किस क्या ज़रूरत है? जिन नेताओं के बैनर फ़ोटो लगते हैं वो कभी देखे आगे क्या तकलीफ है? आज इतना बड़ा हॉस्पिटल है जे हॉस्पिटल यहाँ पे है, आज आप बताओ एम्बुलेंस वगैरह आने के लिए फ़ेस टू फेस आने के लिए क्रॉस करने के लिए एम्बुलेंस तक अटक जाते हैं यहाँ पे। आज बच्चे लोग जब गाड़ी पे चलते हैं, जा भी देख मिनट, बच्चे लोग जब गाड़ी पे चलते हैं यहाँ से तो सामने जब आता है कितने बच्चे गिर चुके हैं यहाँ पे। इसका ये स्कूल ये क्रॉसिंग के टाइम पे ट्रैफिक हवलदार वगैरह रहते हैं जो बच्चे स्कूल के बच्चे लोग को क्रॉस करने के लिए खड़े रहते हैं, तो उनका कोई सपोर्ट होता है कि नहीं? मैं जो एक चीज़ बता भाई, ट्रैफिक हवलदार बेचारा क्या करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा ट्रैफिक जब गाड़ियाँ ऐसा छूटेगी? उनको भी तो रोड के लिए जगह चाहिए ना। आज हम भी ये चाहते हैं जो ट्रैफिक हवलदार उनको भी आराम होगा, लोगों को भी आराम होगा, कि इसको तोड़ के रोड बड़ा करो, वहाँ से आने जाने का रास्ता बनेगा, वहाँ से इतना सी टर्न है ज़रा सी, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी मुड़ने सकती है, वहाँ से आप देखेंगे आने वाला, देखो ये टू वे है, ये टू वे है, मगर सिंगल गाड़ी लाइन से खड़ी हो जाती है, पब्लिक की क्या गलती है इसमें भाई? थोड़ा लोगों में लोग एक चीज़ बताओ, इसमें लोगों की क्या गलती है? सब एक ही वन वे में खड़े हो गए, अब वहाँ से जब गाड़ी छूटेगी तो सामने सामने हो जाएंगे, ट्रैफिक जाम, आज यहाँ से जाम वहाँ से जाम, ऐसे ही लोग परेशान हैं ट्रैफिक से, 10 मिनट में पहुंचने के बदले एक घंटा लग जा रहा है। कम से कम हमारे यहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए। मैं सबसे पहली बात बोलूँगा, मुंबा देवी में पॉलिटिशियंस है, लीडर्स नहीं है, वो अपनी कुर्सी गर्म कर रहे हैं सिर्फ। सर, आपने इधर पे बीएमसी वगैरह में कंप्लेंट की है इस चीज़ को हटाने के लिए? बीएमसी को हमारा एक महीने पहला ये लेटर दिया हुआ है, ये बीएमसी की कान में जूनियर रैंक दी है इनके, हम तो जो सीटिंग में है, सीटिंग में होने के बावजूद कोई कुछ एक्शन नहीं लेता इसके अंदर,
आज हमारी मांग है, हम ये लिख के भी देंगे, कल इंशाल्लाह ताला हम इसको बीएमसी में जाके और इससे काम करवा के लेना है हमें लोगों का, और ये लोगों की बहुत बड़ी तकलीफ़ है। आज हम साइलेंट प्रोटेस्ट पे है, मैं बताना चाहता हूँ ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होगा, और अगर बीएमसी हमारा साथ नहीं देगी या नहीं मिलेंगे वो, हम प्रोटेस्ट बड़ा करेंगे वहाँ जाके। इसके बाद में अगर सपोज आगे इन लोग कुछ सुनवाई नहीं करते हैं या कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप प्रोटेस्ट किस तरह से करेंगे? हम यहाँ धरना दे देंगे, हम बैठ जाएंगे यहाँ पर ज़मीन पर, धरना देंगे, बैठ जाएंगे इधर। सर अभी इलेक्शन आने वाले हैं, वैसे इलेक्शन में प्रॉब्लम होगा, आपको परमिशन मिलेगा? देखो ये परमिशन की बात नहीं है, आज कानून भी समझता है कि हम हक पे हैं, और आज ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है ये। अगर पॉलिटिकल है भी तो हम हक पे लड़ रहे लोगों के लिए, आज लोगों के हक के लिए लड़ेगा कौन? मुंबादेवी में ऑपोजिशन किधर है, मेरे को आप बताइए। ये तो बात तो ये है अच्छी कि ये जनता के लिए, मतलब जाने वालों को जो ट्रैफिक होती है, जो इश्यूज होते हैं रोड चौड़ा होने की वजह से आने जाने में आसानी होगी, ये बात तो सही है। लेकिन इस बात को लेकर जो अपोजिशन या सिटिंग में जो नेता बैठे हुए हैं वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाएंगे? मैं बोलता हूँ लोगों का काम होना चाहिए पॉलिटिकल मुद्दा, अगर आप पॉलिटिकल मुद्दा बना के इसको हल करते करो, पब्लिक का तो भला करो कम से कम, आप बनाओ पॉलिटिकल मुद्दा, आप भी हार पहन लो, आप भी माला पहन लो, उसकी चलेगा हमें। आम आदमी पार्टी को कोई वो नहीं चाहिए हमें लोगों का काम होना चाहिए। आप करा लो, आप हार माला पहन लो, मैं पिलाऊंगा आगे हार माला, आप ये रोड को बड़ा करके दो, जुनेद खान आगे पिलाएगा आपको हार, आप लोगों का काम करो। तो ये है जुनेद खान जी, जिनका साफ कहना है इनको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन ये जो रोड के वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं, रोड पे जाने आने की तकलीफ होती है, ये रोड वन साइड है और इसमें दो जब सिग्नल ओपन होता है दोनों सामने की आमने सामने हो जाती है दोनों साइड की गाड़ियाँ। तो जुनेद खान जी का साफ कहना है कि उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, जनता की जो फैसिलिटी है वो पूरी होना। देखते हैं आगे इस बारे में, हम कोशिश करेंगे जो सिटिंग MLA है उनसे बात करने के लिए, या BMC के जो ऑफिसर है उनसे भी इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या जवाब दे। इसी के साथ अपनी रिपोर्टिंग क्लोज करता हूँ, कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ इकबाल जुबेरी, डोंगरी एक्सप्रेस।